अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं बहुत सारी जो है ना बिज़ी रूटीन में से अपनी एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि किस तरह से आप फटाफट से कुकिंग कर सकते हैं, खाना फटाफट से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये लीजा की पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और उसका फर्स्ट टर्म एंड हो चुका था, तो उसकी न्यू कॉपीज़ लेनी थी, उनको कवर करना था सारा, तो वो काम था। उसके अलावा आज मैंने ये दाल रात को भिगो के रख ली हुई थी और इसको मैंने रखना था बॉईल करके, क्योंकि अगर कभी कभार कोई चाट वगैरह बनाने का दिल करे तो इसके लिए भी, और वैसे भी मुझे डाइट प्रोटीन सैलेड के लिए चाहिए होती है, तो इसलिए मैं साथ साथ बॉईल करके रख लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल स्टॉक ख़त्म था मेरा फ्रीज़र में, ना काफ़ी सारी बर्फ़ मेरी लगी हुई है। मेरा दिल चाह रहा था कि उसको मैंने पहले क्लीन कर लूँ, लेकिन ये कि मैंने आपको बताया था कि आहिजल की तबीयत सेट नहीं थी, इस वजह से मैं कुछ बहुत लंबा प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकी। तो फ़िलहाल मैंने इसको बॉयल कर दिया है, तो जब मैं फ्रीज़र क्लीन करूँगी तो मैं इसको नीचे वाले फ्रीज़र में रख दूँगी, और उसके बाद फिर मैं इनको दोबारा फ्रीज़र क्लीन करके ना दोबारा रख लूँगी ऊपर। तो यहाँ पे साथ मैंने प्याज मंगवाया था, क्योंकि मेरे पास फ्राई जो प्याज मैं रखती हूँ फ्राई करके वो ख़त्म हो चुका हुआ था और मुझे फ्राई करना था अगेन। और पहले तो गर्मी थी बहुत ज़्यादा और हिम्मत मेरी नहीं पड़ी थी, ऑलमोस्ट एक वीक ही हुआ है ख़त्म हुए हुए, एक दो वीक्स ही हुए ख़त्म हुए हुए। तो मैं खुद ही बना के रखती हूँ प्याज, तो मैंने बड़े साइज़ के प्याज मंगवाए थे सुबह सुबह ही। बस मैंने अलीज़ा को स्कूल भेजा, उसके बाद थोड़ी देर बाद नाश्ता वगैरह बनाने के बाद ना मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि काफ़ी सारा प्याज जो था ना वो मैंने स्टोर करना था। तो इस तरह से बस प्याज आपने बहुत पतला सा स्लाइसेस में काटना है, गरम तेल में आपने इसको डालना है और उसके बाद आपने फ्राई करना है तेज़ आँच पर। तो यहाँ पर बस मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ, ऑयल थोड़ा सा अपने फ्राइंग के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रखना है, तो इसलिए मैंने इसमें ऑयल इतना डाला है, गरम ऑयल में आपने डालना है और काफ़ी है, इनफ है ये ऑयल इसके लिए। अच्छा, उसके साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ देसी चिकन की निहारी। तो यहाँ पे बहुत इजी रेसिपी से मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अभी ये फ्रोज़न ही है तो मैं इसको डाल दूँगी, और साथ में थोड़ा सा जब ये हल्का सा मेल्ट होना शुरू होगा तो इसमें मैं डाल दूँगी चिकन भी। तो चिकन मैंने वॉश करके अच्छे से रख लिया हुआ था, और मैंने देसी चिकन बनाना था, और यह कि अगर शोरबे वाला बनाएं तो उसका इतना कोई पसंद नहीं करता है, दूसरा हमारे घर में इतने लोग भी नहीं हैं कि शोरबे वाला हम चिकन बनाएं, और देसी चिकन का तो शोरबा थोड़ा मस्त होना चाहिए कि उसकी सारी यखनी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं निहारी बना देती हूँ, और निहारी में जो उसका शोरबा है वो भी काफ़ी ज़रा खाया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बना ली थी निहारी बना रही थी मैं। तो चिकन जो था ना वो मैंने डीफ्रोस्ट कर लिया हुआ था यहाँ पे हल्का सा, जब ये हो गया मेल्ट हो गया अदरक लहसुन का पेस्ट, तो मैंने इसमें डाल दी है जी चिकन। और चिकन के साथ ना आपने अच्छा सा इसको पकाना है, सबसे पहले तो चिकन थोड़ा पानी छोड़ेगा और उसके बाद आपने इसको अच्छा सा, जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट भी ब्राउन हो जाता है और चिकन का कलर चेंज हो जाता है, आपने इसको फ्राई करना है, मतलब भूनना है ऑयल के साथ ही सिर्फ, और उसके बाद आपने इसमें निहारी मसाला डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको चिकन को ऐड कर दिया हुआ था, तो बस यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, और इसके बाद मैं इसको पकाऊंगी जब तक कि चिकन का पानी भी ड्राई हो जाएगा और अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन का अच्छा सा कलर चेंज हो जाएगा। तो हुआ ये कि जब मैं बना रही थी तो ऐट दी एंड क्या हुआ कि जैसे कभी कभार होता है मेरे साथ कि ऐट दी एंड जो है ना वो बहुत जल्दी में मैंने फटाफट से खाना तैयार कर लिया था, तो खाना जब सर्व किया तो मुझे एंड टाइम की जो वीडियो थी फाइनल लुक वो मेरे से मिस हो गई इसकी। तो ये कि वो भी मैं इंशाल्लाह जितना मेरे पास था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये, बहुत अच्छी जो है ना इजी सी रेसिपी है निहारी की। तो यहाँ पे मेरे पास निहारी मसाला पड़ा हुआ था, मैंने इसमें आलमोस्ट ना 2 चम्मच भर के इसमें डाल दिए। इस पॉइंट पे अगर आपको लग रहा है कि मसाला कम है तो आप इसमें और डाल सकते हैं, जब आप इसको अच्छा सा, मतलब ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाली हो तो आप इसको चेक करके इसमें डाल दें। मैंने कम इसलिए डाला है क्योंकि निहारी मसाला काफ़ी तेज़ होता है और इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो बच्चों ने भी खाना था और मेरे बच्चों को स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए इस पॉइंट पर मैंने कम रखे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्का सा मैंने इसमें मतलब पानी डाल के इसमें मैंने मसाला डाला है, और मसाले के साथ मैंने अच्छे तरह से इसको भून लेना है, और उसके बाद फिर मैंने इसको इसमें पानी डाल दिया था और पानी डाल के मैंने इसको कवर कर दिया। अब देसी चिकन है तो थोड़ा टाइम इसको ज़्यादा लगा था, ऑलमोस्ट मैंने इसको 45 to 50 मिनट्स के लिए गलाया था,
तो तब ये जाके अच्छे से टेंडर हो गया हुआ था। और उसके बाद मैंने इसमें ना पानी भी बॉईल करके डाला है, मतलब गर्म पानी आपने इसमें डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना वरना आपका चिकन जल्दी नहीं गलेगा, बहुत देर लगेगा और अच्छे से गलेगा भी नहीं। तो बस मैंने इसके बाद इसको गला लिया था। उसके बाद मैंने 2 चम्मच आटा लिया था और 2 चम्मच ही पानी के साथ मैंने मिक्स करके इस तरह से घोल बना लिया था और उसको मैंने डाल दिया था निहारी में और उसको मैंने पकाया ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के लिए। और तो ये थी जो फाइनल लुक निहारी की, और वीडियो में इसकी शूट नहीं कर सकती थी लास्ट पे क्योंकि मोबाइल में स्पेस ख़त्म हो गई थी। साथ मैंने नान भी बनाए थे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपके साथ तवा नान बनाने की रेसिपी भी शेयर करूँगी। ईजी हो जाता है, आप अगर एक ही बंदे से करवा लें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना स्टेपलर की पिंस लगा दी थी। तो स्टेपलर पिंस जो है ना, मुझे खुद जो है ना वो बेसिकली पसंद नहीं है क्योंकि स्टेपलर पिंस जो है ना कभी कभार किसी न किसी चीज़ से अड़ के निकल जाती हैं, अगर अच्छे से लगी हुई ना हो या कोई भी शो हो तो वो निकल जाती हैं। तो मुझे इस चीज़ पे श्योरिटी नहीं होती है कि कभी कभार अगर अल्लाह ना करे अगर किसी बच्चे के मुंह में चले जाए किसी चीज़ के साथ लग के, किसी टॉय के साथ लग के, बच्चे अक्सर टॉयज मुंह में डाल लेते हैं तो वो बहुत इशू बन जाता है और वो बहुत डेंजरस है। तो इसलिए फिर मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं खुद ही इनके ऊपर शीर्स करवा लूँ, कि मैं उनको डिक्टेशन देने के बजाय बेहतर है कि मैं खुद ही इसके ऊपर शीर्स चढ़ा लूँ। और यहाँ पर मैं इसको ना जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है उसके साथ कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं ये काम कर रही थी और ये खाना खाने के बाद का टाइम था, मतलब मैं बच्चों को खाना खिला चुकी थी उसके बाद का ये टाइम है। और इस टाइम पे मैंने थोड़ा सा टाइम मेरे पास फ्री था तो उस पर मैंने सोचा कि ये फटाफट से कर लूँ। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, कंप्लीट सारी नहीं हुई थी, वो मैंने रात को की थी, लेकिन ये कि मैंने सारी कवर कर दी हैं, सारे नेम्स वगैरह दोबारा लिख दिए थे। अच्छा, उसके बाद आज का ये भी था कि मैंने लोबिया भिगो के रखा हुआ था, रात को उसको मैंने बॉईल करके रखना था है ना, वो चाट वगैरह के लिए मैं रखती हूँ इस तरह से। वैसे तो अगर बनाना हो तो मैं फ्रेश ही उसको बॉईल करती हूँ, तो ये कि चाट के लिए चने और लोबिया जो है ना मैं मोस्टली ये होता है कि मैं बॉईल करके रख देती हूँ। अगर कभी कभार क्विक सा कुछ खाना भी बनाना हो, अगर दाल बनानी भी हो तो मैं उसको उसमें से यूज़ कर सकती हूँ। तो वो भी मैंने यहाँ पे करना था तो इसलिए मैंने उसको भी भिगो के रख दिया हुआ था, रात को उसको मैंने सुबह बॉईल कर लिया। अब यहाँ पे ना वो भी अच्छे से नेक्स्ट टाइम भी ना हो गया था, बॉईल हो चुका हुआ था, उसको मैंने ठंडा कर लिया, उसके बाद मैंने ज़िपलॉक बैग में डाल लिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने आज के लिए टास्क रखा हुआ था वो ये था कि मैंने प्याज फ्राई करके रखना है। प्याज जो मेरे पास फ्राई हुआ हुआ था वो ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट 1 वीक ही हुआ है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ईजी रहता है मुझे कुकिंग करना और आपके लिए भी बहुत ईजी होगा अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका फटाफट से खाना बन जाता है और पता भी नहीं चलता आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना वो इसी में लगता है। मेरे पास जो मैं करती हूँ प्याज फ्राई, उसकी रीजंस दो हैं। एक तो रीज़न ये है कि टाइम कम लगता है, दूसरी रीज़न ये है कि आपको ना जो ऑयल है वो आप कम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने प्याज फ्राई करना होता तो आप ऑयल को ज़्यादा ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आप अगर कम यूज़ करेंगे तो अच्छा सा फ्राई नहीं होगा। तो इसलिए मैं इस चीज़ के लिए भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने लिया है प्याज, काफ़ी सारा प्याज लिया है, ऑलमोस्ट मैंने 3 to 4 kg तक तो मैंने इसको फ्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइसेस करके रखे हुए हैं, ऑयल मैंने डाल दिया पैन में। पैन में जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं डाल दूँगी प्याज, स्टेप बाई स्टेप मैं इसमें डालूँगी। कटिंग में कटर के साथ करती हूँ क्योंकि कटर के साथ बिल्कुल एक जैसे कट जाता है, अगर एक जैसा प्याज कटा हुआ तो एक जैसा अच्छा सा ब्राउन भी होता है। साथ साथ मैं पील ऑफ करी थी और साथ साथ मैं इनको स्लाइस भी करी थी। यहाँ पे बस मैंने प्याज ऐड कर दिया फर्स्ट टाइम का, यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें ऐड किया है। और इसको आपने हाई फ्लेम पे ही ब्राउन करना होता है, और थोड़ा सा ये कि शुरू के टाइम में आप 4-5 मिनट आप इसको हल्का सा बस हिलाते रहें, लेकिन एंड टाइम पे जब ये ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आपने बस इसको देखते रहना है साथ साथ इसको, ताकि अच्छे से ब्राउन हो, बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना इसको हो जाए, बस आप इसको उतार लें। तो इतना मुश्किल कोई काम नहीं है। और मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है कम्प्लीट कि किस तरह से आप प्याज को फ्राई करके रख सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल ये है। बाज़ार में भी प्याज मिलती है तली हुई, लेकिन मैं हमेशा उसको देख के छोड़ाती हूँ क्योंकि वो मुझे तो वो प्याज ही नहीं लगती, इतना मोटा मोटा सा प्याज होता है और उसके ऊपर कुछ पाउडर सा लगा होता है तो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, तो मैं उसको हमेशा देख के छोड़ाती हूँ। तो बस ये लोबिया यहाँ पे ब्राउन हो गया था, इसको मैंने डालना है अब ज़िपलॉक बैग में, और प्याज यहाँ पे जब अच्छे से ठंडा हो गया था तो इसको भी मैंने ज़िपलॉक बैग में डाल के रख लिया। ये देखें कितना अच्छा सा फ्राई हो चुका है। तो बस यही था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।